एनजीओ के नाम पर फर्जी चिटफंड कंपनी चलाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। एनजीओ के नाम पर फर्जी चिटफंड कंपनी चलाने वाले संचालक मनीष कनौजिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष कनौजिया लाइफ केयर सोसाइटी के नाम से एक एनजीओ चलाता था। आरोपी मनोज मनीष कनौजिया वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगार भत्ता और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। इसके बाद वह लोगों से 11 माह तक 500 रुपए प्रति माह कमीशन देने का झांसा देता था। इस तरह उसने सैकड़ों महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फीस और बतौर एडवांस मोटी रकम जमा कर ली थी। लाडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली पारुल पाठक भी इस झांसे में आ गई थी। उन्हें मनीष कनौजिया ने नौकरी देने के बहाने अपने ऑफिस का 1 माह तक का काम कराया था, लेकिन 1 माह के बाद मनीष कनौजिया उन पर ग्राहक बनाने के लिए जोर देने लगा, जिस पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब उन्हें वेतन नहीं मिला तब इसकी शिकायत उन्होंने लाडगंज पुलिस थाने में की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को मनीष कनौजिया के द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की जानकारी दी थी। इस पर लाडगंज थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मनीष कनौजिया के लाइफ केयर सोसाइटी कार्यालय में छापा मारा। सैकड़ों की तादाद में लोगों के आवेदन पत्र और अन्य सभी दस्तावेज बरामद किए और आरोपी मनोज कनौजिया को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। अब इस फर्जी चिटफंड कंपनी में आवेदन जमा करने वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे यह मालूम होगा कि आरोपी मनीष कनौजिया ने कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा ने बताया कि शहर में कुछ और चिटफंड कंपनियां इस तरह की धोखाधड़ी कर रही हैं। जल्द ही उन कंपनियों पर भी कार्यवाही की जाएगी। द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत एक चिटफंड कंपनी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत कल लाडगंज थाना पुलिस के द्वारा जगदीश मंदिर गढ़ा फाटक रोड में एक पारुल पाठक हैं, उनकी रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पारुल पाठक ने बताया था कि वो विजयनगर में रहती है और 2 माह पहले उसने जॉब के लिए लाइफ केयर सोसाइटी के जो कर्ता धरता है मनीष कनौजिया उनसे जाकर मिली थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी एक ये सोसाइटी है और जो एक एनजीओ है जो जिसका हर साल मार्च में ऑडिट सरकार द्वारा किया जाता है। उसने वहाँ जॉब किया, जब उसको यह समझ में आया कि ये विभिन्न तरीकों से जैसे विधवा पेंशन बेरोजगार भत्ता विकलांग पेंशन इत्यादि के माध्यम से ये लोगों से 610 रुपये जमा कराते हैं और 500 रुपये प्रति माह देने का उनको वादा करते हैं, जो कि किसी भी हालत में संभव नहीं है। अगर अपन देखें तो साल भर में एक आदमी को 6000 रुपये देने का वो वादा करते हैं, जो 610 रुपये लेके। कल जब उनके यहाँ रेड किया गया तो पता चला कि उनकी सोसाइटी पहली बात तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है। ये लोगों को बरगला के उनको मूर्ख बना के उनसे पैसा लेके चुप और इसको गबन करने के उद्देश्य से उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जानकारी लगने पे पुलिस द्वारा तत्काल रेड किया गया, मनोज कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, फॉर्म जो है वो जब्त किए गए, कुल 295 फॉर्म मिले हैं। अभी इन लोगों को बुला के इनसे पूछताछ की जाएगी, इनके बयान लिए जाएंगे कि इनको राशि कुछ मिली है या नहीं मिली। अभी आरोपी मनोज कनौजिया के खिलाफ 467, 468, 471, 472, 473 और 4/6 निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उसको न्यायालय रिमांड पे भेजा गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।